हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे वर्चुअल असिस्टेंट क्लास का दूसरा लेक्चर है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं और क्या सर्विसेज देते हैं और वो किस तरह जो वो अमेजोन की फील्ड से वो अर्न कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन होता क्या है और इसमें आपने इनके वर्किंग क्या करनी होती है, और जिस मॉडल पे हमने बात करनी है वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल को हम स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और इस पे किस तरह वर्किंग की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमेजोन क्या है। अमेजोन एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट में जो है वो बेस करती है, और इसके जो फाउंडर है वो जेफ बिजोस थे। 1994 में जेफ बिजोस ने इसका जो है वो आगाज किया था, और ये एक बुक स्टोर से जो है वो इसका आगाज किया गया था। और ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। अमेजोन जो है वो सर्विसेज देता भी है और सर्विसेज लेता भी है। तो ये था हमारा अमेजोन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि अमेजोन से आप जो है वो अर्न कैसे कर सकते हैं। देखिए, अमेजोन बहुत सारे आपके माइंड्स में क्वेश्चन आते हैं। न्यू स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि भाई अमेजोन से हमने अर्निंग किस तरह करनी है, क्या हमें यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए, आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने यहाँ पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जो कि हमारी लास्ट वाली वीडियो थी वर्चुअल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग, वो आप देख लें ताकि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने यहाँ पे जो है वो सर्विसेज देनी होती है, क्लाइंट्स के अकाउंट्स को मैनेज करना होता है, हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को डिफरेंट सर्विसेज देके अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाना होता, आपको अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाना होता, आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपने जस्ट क्लाइंट के जो है अकाउंट होता है उस पर वर्क करना होता है। तो वो जो होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो कि रिमोटली बैठ के क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है, उसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको काम करके दे रहा होता है, वो उसका जो है वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वर्चुअल असिस्टेंट जस्ट अमेजोन का नहीं होता, वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी स्किल का हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की। तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो जो है मिनिमम से लेके $300 से लेके $1000 तक जो है वो इजिली अर्न कर सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल अमेजोन का बिजनेस मॉडल है। अमेजोन के तीन बिजनेस मॉडल हैं जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट लेबल आता है। प्राइवेट लेबल को हम डिस्कस करें, प्राइवेट लेबल जो होता है अपना ब्रांड लॉन्च करना। इसमें क्या होता है कि हम अपने ब्रांड के ऑनर होते हैं, हम क्या करते हैं अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, लोगो रजिस्टर करवाते हैं, देन हम अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। जैसे नाइकी एक ब्रांड है, एडिडास एक ब्रांड है, उन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने नाम से वो जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, वो उनका एसेट है। तो वो क्या है, वो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, तो वो क्या है, वो अमेजोन प्राइवेट लेबल है। अमेजोन प्राइवेट लेबल। अब यहाँ पे उसके बाद हम देख लेते हैं कि अमेजोन पे काम करने के डिफरेंट वेज। अमेजोन पे काम करने के दो तरह के मेथड होते हैं, जिनमें एक फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, दूसरा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में कि इसमें तमाम चीजें जो है वो अमेजोन जो है आपका मर्चेंट होता है वो खुद जो है वो इसमें हैंडल कर रहा होता है, मीन के आपकी पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस, जो भी जो आप इसमें सर्विसेज होती है वो जो मर्चेंट है, जो सेलर है, जो बिजनेस कर रहा है वो खुद हैंडल कर रहा होता है। लेकिन फुलफिलमेंट बाय जो होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, एफबीएम है, उसमें क्या होता है, उसमें तमाम जो आपकी होती है वो आप अमेजोन हैंडल कर रहा होता है। इसमें आपकी फिलिंग ऑर्डर्स को फिल करना, उसको जो है वो पिक करना, पैक करना, ये तमाम चीजें जो है वो अमेजोन आपका जो है वो इसमें कर रहा होता है। तो ये हमारे पास होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि जिसमें तमाम चीजें जो है अमेजोन हैंडल करे। देन हमारे पास आता है स्टेप आता है कि रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट प्राइवेट लेबल। अब हमने प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना है, तो प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हम अपनी कंपनी बनाते हैं, वो कंपनी हमारी यूएसए में, अगर हमने यूएसए में काम करना है तो वो एलएलसी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर हमने यूके में वर्क करना है तो हमने वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एलटीडी होगी। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमने कंपनी बनानी है, फिर हमारे पास अमेजोन का सेलर अकाउंट होना चाहिए। अमेजोन का सेलर अकाउंट जो है वो आपके क्लाइंट ने बनाना है, ना कि वर्चुअल असिस्टेंट ने। वर्चुअल असिस्टेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अकाउंट नहीं बनाना, मीन के वो अकाउंट बना के दे सकते हैं, वो इस सर्विस को देने के वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो है वो उसने अपना कोई अकाउंट नहीं बनाना होता।
अब एमेजोन का सैलर अकाउंट किसने बनाना है? क्लाइंट ने बनाना है, उसकी इन्वेस्टमेंट होनी है, जो बिजनेस कर रहा है उसका उसका जो है वो अकाउंट होगा और उसकी डिटेल्स पे होगा। और एमेजोन का जो अकाउंट होता है वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे इजीली बन जाता है, और ये नेक्स्ट हम फर्दर जो है वो डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। अदर अगर किसी को फिर भी डिटेल में ये वीडियो देखनी है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपने वहां से जाके देख लेना है। देन हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं, हमें बैंक अकाउंट चाहिए, हमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन हमारी होती है, मीन हमने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना होता है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो अमेजोन के प्राइवेट लेबल मॉडल में होती है वो हमारे पास मिनिमम $8,000, $10,000 होती है। मीन के यहाँ पे क्या है कि आपके पास मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए यूएसए में, ताकि आपको जो है वो कोई भी मसले मसाइल आगे जाके पेश ना हो। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना हो सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेप्स आते हैं कि प्राइवेट लेबल के स्टेप्स कौन से हैं, जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करता है वो कौन से स्टेप्स हैं। उनमें प्रोडक्ट रिसर्च आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, लिस्टिंग क्रिएशन है, लॉन्चिंग है, रैंकिंग है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड शिपमेंट्स है। ये तमाम काम जो है वो हम करते हैं प्राइवेट लेबल को जो है स्टार्ट करने से पहले। हमें कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, देन हम उसको जो है वो लॉन्चिंग तक लेके जाते हैं। ये सर्विसेज जो है वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो है इसमें से इंडिविजुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप A to Z अकाउंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने विनिंग प्रोडक्ट्स किस तरह जो है वो निकालनी होती है, किस तरह फाइंड करनी होती है। तो हमारे पास कुछ जो है वो डेटाबेस टूल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं हंटिंग करने में, प्रोडक्ट रिसर्च करने में, जिनमें हमारे पास सीनियम आता है, जंगल स्काउट आता है, वायरल लॉन्च आता है। इनसे क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं और हम प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं। तो वो कौन से स्टेप होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के, उनमें हम प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं। ये तमाम जो काम हम जो टूल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, हम उसकी निच एनालिसिस करते हैं कि इसमें देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, मार्केट में कितना पोटेंशियल है, और अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो कंपेटिटर है वो क्या सेल कर रहे हैं और हमने किस तरह सेल करना है। हमने उसकी लिस्टिंग को देखना है और तमाम चीजों को हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखना है। देन हमने जो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो तमाम चीजों को कस्टमाइज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करना है। देन हमारे पास आते हैं स्टेप्स और प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें हमने जो है पांच से छह हमने ऐसे वेरीफाइड सप्लायर्स को अलहदा कर लेने हैं, अलग कर लेने हैं, फिर हमने उनसे कोटेशन लेनी है कि वो हमें प्रोडक्ट जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह बना के देंगे, क्या वो जो है उसके सोर्सिंग कितनी पड़ेगी हमें उसकी, तो वो तमाम हमने उससे जो है वो चार्जेस लेने हैं। देन हमने जो है वो खुद इस चीज को देखना है कि सबसे अच्छी सर्विस हमें कहाँ से मिल रही है, मीन के कौन सा सप्लायर हमें वैल्यू ऐड करके दे रहा है और वो हमें क्या सर्विस दे रहा है, जो शिपिंग है वो कहाँ से कम पा रही है। देन उसको उसके अकॉर्डिंगली हमने वहां से एक अपना सप्लायर चूज करना होता है। तो ये होते हैं स्टेप प्रोडक्ट सोर्सिंग के। देन हमारे पास आती है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। इसी दौरान हमें क्या करनी होती है, अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बनानी होती है, मीन कि हमने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस बनाने होते हैं और हमने प्रोफेशनल इमेजेस बनाने होते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन वाले होते हैं। अब ये जो है हम अपने सप्लायर से भी इमेजेस हम अपने सप्लायर से भी हासिल कर सकते हैं, और ये होता है कि जब हम सैंपलिंग के लिए प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो वो उस सैंपल से जो है वो हम खुद भी जो है अपने प्रोडक्ट के जो है इमेजेस बनवा सकते हैं। अब ये हम जो है कुछ कोई हायर कर सकते हैं अपवर्क से, फाइवर से, जो कि आपकी प्रोडक्ट से अच्छी तरह से फोटोग्राफी करें, क्योंकि इसी से जो है आपका जो कस्टमर होता है, आपका बायर होता है, वो इसी से इंटरेक्ट होता है और देखता है कि प्रोडक्ट को आपने किस तरह अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया होता है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि फोटोग्राफी में प्रोडक्ट, देखिए हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है, अब इसमें जो इसकी इमेज लगाई हुई है, इसके बाद ये देखें अब इसकी खास इमेज इतनी तो नहीं है, और साथ में हमने वीडियो लगाई हुई है इसकी, वीडियो बना के तो A+ कंटेंट हमने मीन के लिखना होता है। तो ये चीजें आपने जो है इस तरह बनवानी होती हैं। आप अगर 3-4 इमेज लगाएं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। आप अपने इमेज को जितना अच्छा बनाएंगे आपकी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, आपकी लिस्टिंग उतनी होगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है, देन देख लेते हैं
तो ये भी हमारे पास हो गया। देन हम स्टेप्स ऑफ आर लिस्टिंग क्रिएशन, अब हमें लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, उसमें हमारा टाइटल होता है जो कि ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स होते हैं, हमारा जो है वो उसमें टाइटल में प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स होते हैं, फिर हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, उसके बाद बैक एंड कीवर्ड्स होते हैं, बैक एंड पे जो हम कीवर्ड्स लगाते हैं वो होते हैं। अब वो हमारे यहाँ पे देखते हैं किस तरह लिस्टिंग क्रिएट होती है। अब ये एक टाइटल है, टाइटल के बाद नीचे ये देखें हमारे पास ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये इतने अच्छे नहीं लिखे हुए, ये इसके पांच, हमने जो है वो अच्छी तरीके से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद नीचे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन है, तो ये इसमें उन्होंने जो है वो A+ कंटेंट भी दिया हुआ है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह आपने जो है वो लिस्टिंग को जो है वो प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्स ऑफ शिपमेंट, अब हमने जो है वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, हम अपने सेलर अकाउंट में जाएंगे और शिपमेंट प्लान को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमने बॉक्स लेबल्स को और वहां से जो मास्टर कार्ड बॉक्स लेबल्स हैं, जो हमारे FNSKU हैं, उनको हमें डाउनलोड करना है और हमें अपने सप्लायर्स को सेंड कर देने हैं। हमारे सप्लायर ने वो चीज जो है हमारे जो FNSKU हमारे बॉक्स लेबल्स हैं हमारे आइटम के ऊपर लगा के उसको जो है शिप कर देना है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्स ऑफ लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको, आप न्यू सेलर होते हैं, आपको कुछ रिव्यूज चाहिए होते हैं लिस्टिंग पे, आपको PPC चलानी पड़ती है। PPC क्या होता है, पे पर क्लिक, आपने जो है वो इसमें जो है इसमें बजट होता है कुछ, आपने वो लगाना होता है, और आपने जैसा कि समझ लें कि एड टाइप, जैसा कि आप एड चलाते हैं उसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अपना PPC के थ्रू जो है वो रैंक करवाना होता है और फर्स्ट पेज पे लाना होता है। और इसी तरह आप जो है आप Amazon के जो एक वाइन प्रोग्राम है वहां से भी जो है आप रिव्यूज ले सकते हैं। ये थे हमारे वो तमाम स्टेप जो कि हमें PL में जो है परफॉर्म करने होते हैं, और A to Z ये स्टेप होते हैं कि हम प्रोडक्ट हमने रिसर्च से लेके हमने लॉन्चिंग और रैंकिंग तक हमने उसको डिस्कस किया है। इनको स्टेप बाय स्टेप हम आगे अपने लास्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इन पे हमने वर्क किस तरह करना है। आज तो मैंने जस्ट आपको एक रोड मैप दिया है कि PL जो है वो वर्क किस तरह करता है, उसके स्टेप कौन से होते हैं। देन हमारे पास आता है बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स क्या है प्राइवेट लेबल करने के, देखें अपना बिजनेस करना वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू होलसेल, मीन के अब ये देखें सबसे अच्छा मॉडल तो प्राइवेट लेबल है क्योंकि इसमें आपका अपना एसेट बिल्ड हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मॉडल है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, लेकिन यह है कि आप इसमें जो कि आपका ROI होता है वो ज्यादा होता है और आपका अपना एसेट बन रहा होता है, अपना ब्रांड होता है और इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन है, और आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप जो है इसमें लिस्टिंग में जो है वो कभी आपको चेंजिंग करनी है तो वो आप लिस्टिंग, आपका कंट्रोल होता है कि आप लिस्टिंग के ऊपर जो है वो कुछ चेंजिंग कर लें, तो ये होता है प्राइवेट लेबल। लेकिन अगर हम दूसरे मॉडल्स देखें होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, उनको आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, उनमें तो हम मीटू कर रहे होते हैं, वो भी हम अपने आने वाली वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कि वो क्या होती है, कंप्लीट सीरीज को लेकर चलेंगे। तो आई होप सो आपको जो तमाम पॉइंट्स जो है वो समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, नीचे कमेंट में मुझे वो कमेंट करें, मैं उसको उसका आंसर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।